A very warm good morning and Jai to all. How are you all? I know that you all are fine and having a good time at your home. So dear students, we are meeting again and this side uh, should be Pasricha welcomes you all in the virtual classroom of economics. Uh, we have already um, met before in the form of videos only. And this time you will get the videos as well as the zoom classes, right and as this is the first class of your economics So first we are going to discuss about the pattern of the question paper and uh, uh, Like the syllabus and all I know that you have already gone through the sst um, um, In history civics and geography, but uh, some uh, I don't know okay, that whether you have gone through the question paper pattern or not because there are so many changes as in the last year uh, in the annual examination, you got your SST paper in the same pattern this year also because we are trying to give you the uh, practice of 10th board exam in the 9th class onward, at least in the form of the question paper. Okay, so let's discuss. So let's discuss first the question paper pattern that is, the total number of questions will be 32. How many number of questions?

सब्जेक्ट इन्विचमेंट एक्टिविटीज़ के बेसिस पर होंगे एंड येस इट इज टेंथ क्लास सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेम्प्ट ऑल द एक्टिविटीज गिवन बाई द टीचर्स ऑफ एस एस टी और ऑफ एनी अदर सब्जेक्ट राइट और हाँ आप ये कहेंगे कि मैम वी कैन ऑल्सो भी लकी कि हमारे बोर्ड के पेपर्स नहीं होंगे नहीं बेटा इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी हो दिस टाइम पेपर विल भी हैपन एट एनी कॉस्ट येस इट इज़ पॉसिबल कि आपका सिलेबस डिडक्ट हो जाए फाइन सिलेबस डिडक्ट हो सकता है बट यू विल गेट द क्वेश्चन पेपर इन फॉर्म ऑफ द बोर्ड मतलब आपके बोर्ड एग्जाम से होंगे चाहे वो होम बोर्ड हो बट येस क्वेश्चन एग्जाम विल बी हेल्ड एट एनी कॉस्ट नेक्स्ट लेट स्टार्ट सेक्शन ए एज यू कैन सी क्वेश्चन नंबर वन टू क्वेश्चन नंबर विल बी इन दी एम सी क्यूज फॉर्म एम सी क्यू मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप ये सब टिक दी करेक्ट आएंगे इट कैन बी लाइक पिक्चर फॉर्मेशन मैचिंग फिलअप्स ट्रू फॉल्स फुल फॉर्म कुछ भी हो सकता है ठीक है एंड इट इज मिक्स मतलब आपको सिविक्स जोग्राफिक इकोनॉमिक्स सबके मिक्स मिलेंगे ओके okay?

पॉइंट इन योर एग्जाम पैटर्न एंड विच विल बी डिफिकल्ट डिफिकल्ट नहीं होएगा आपके लिए न्यू होगा बस दैट इज दस स्टडी फोर मार्क्स ईच मैंने इसमें लिख रखा है एक हिस्ट्री से एक सिविक से एक जोग्राफी से और एक इकोनॉमिक्स से ठीक है और इसमें हम क्या करेंगे <coughs> जो भी क्वेश्चन नंबर के स्टडी है कैसे आएगी मैम के स्टडी क्या होती है वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट फर्स्ट टाइम नहीं आपने नाइन्थ में भी दी है केस स्टडी बहुत इजी थी बस एक आपको पैसेज uh, दिया जाएगा इट मे बी अनसीन और सीन आपको अगर चैप्टर क्लियर है तो यू कैन डू इट वेरी इजीली ओके देन ये देखो फोर मार्क्स ईच फोर क्वेश्चन इट मीन सिक्सटीन मार्क्स का तो ये हो गया ट्वेंटी मार्क्स आपके सब्जेक्ट एन के हो गया एंड सिक्सटीन मार्क्स आर ऑफ एम सी क्यू इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट दिस टाइम राइट एंड सेक्शन इज क्वेश्चन टू ए लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन इन द डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपको डिटेल में देना पड़ेगा राइट एंड द लास्ट वन इज मैप मैप इज ऑफ फाइव मार्क्स जिसमें से दो मार्क्स हिस्ट्री के होते हैं तीन मार्क्स ज्योग्राफी के होते हैं इट डिपेंड्स आपके ऊपर मतलब टीचर के ऊपर आपके क्या कहते हैं हाफ एली मतलब जो आपके पी टी वन होंगे पी टी टू या हाफेली जो होंगे उनमें डिपेंड करता है मैप के ऊपर बिकॉज समटाइम टीचर पहले हिस्ट्री पूरा कराती है फिर सिविक्स फिर जोग्राफी हर स्कूल का अलग अलग पैटर्न होता है तो मैप उसी हिसाब से आता है बट इन द बोर्ड एग्जाम दो मार्क्स की हिस्ट्री होगी एंड तीन मार्क्स की जोग्राफी सो दिस इज योर एग्जाम पैटर्न फाइन एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर वीडियो सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नहीं इसमें एक पार्ट और आ गया दैट इज दर सिलेबस आपका सिलेबस क्या क्या है देअर आर फाइव चैप्टर्स जो हम आगे अभी मैं हैव योर सिलेबस देयर आर फाइव चैप्टर्स इन टोटल फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट सेकेंड वन इज स्टिकस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी लेसन फ्री इज मनी एंड क्रेडिट एंड थर्ड वन इज ग्लोबलाइजेशन एंड दी इंडियन इकोनॉमी अगेन एंड द कंज्यूमर राइट्स ठीक है आप बोलोगे कि मैम लास्ट ईयर जब हमने बच्चों से पूछा था तो उनके तो सिर्फ फोर ही चैप्टर्स थे येस फोर चैप्टर्स थे बिकॉज उनका सिलेबस जो है वो डिडक्ट हो गया था सो वी आर होपिंग कि इस बार भी आपका सिलेबस डिडक्ट होगा बट स्टिल एज वी आर नॉट हैविंग एनी लाइक नोटिफिकेशन फ्रॉम सी बी एस ई टिल नाउ फॉर द डिडक्शन ऑफ द दिलेबस तो हमें यही एज्यूम करके चलना है कि दैट यू आर हैविंग फाइव चैप्टर्स राइट सो इन द पी टी वन लेसन नंबर वन विल कम दैट इज द डेवलपमेंट एंड लेट्स अगर हमारा सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कहाँ तक कंप्लीट होता है तो हम वो भी इंक्लूड कर लेंगे दैट डिपेंड्स ऑन द टाइम आई टेल यू की हाउ मच ऑफ दिलेबस विल कम लेसन वन फॉर श्योर आने वाला है ओके okay? सो so,